मूवी की शुरुआत में हमें एक यंग कपल सैम और जैक को दिखाया जाता है। ये दोनों ही एक दूसरे को बचपन से जानते थे और सैम का इस दुनिया में कोई भी नहीं था। वो बिल्कुल अकेली थी, यानी उसकी फैमिली बचपन में ही मारी गई थी और वो एक शेल्टर होम में पली बड़ी थी। लेकिन दूसरी तरफ जैक उससे प्यार करता था और वो एक रिच फैमिली से बिलोंग करता था और उसका स्टेटस भी काफी बड़ा था। अब जिसके बाद उन दोनों की बड़ी ही धूमधाम से शादी हो जाती है और फिर उनकी मैरिड लाइफ स्टार्ट होती है। अब ये दोनों काफी खुश थे और फिर जैक एक कैमरा खरीद लेता है, जिसके बाद वो सैम को कहता है कि हम एक बहुत ही खुशहाल जिंदगी गुजारने वाले हैं, इसलिए वो हर एक पल को कैप्चर करना चाहता है इस कैमरे के अंदर। अब उसके बाद वो दोनों हनीमून प्लान करते हैं और एक आइलैंड पे जाते हैं जो कि काफी खूबसूरत था। वो लोग काफी खुश हो जाते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं क्योंकि वो दोनों अपनी मैरिड लाइफ से काफी खुश थे। फिलहाल यहाँ पर अभी तक तो सब सही चल रहा होता है। खैर, इसके बाद ये दोनों एक हैंड रीडर के पास जाते हैं जहाँ वो लेडी इनका हैंड रीड करती है, लेकिन फिर वो अजीबो गरीब बातें करना शुरू कर देती है जिससे ये दोनों काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो सैम से कहती है कि वो काफी वक्त से उन लोगों का इंतजार कर रही थी। अब ये सब सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा हैरान और परेशान हो जाते हैं। फिर ये दोनों उस जगह को छोड़ने का डिसाइड करते हैं, लेकिन फिर उन दोनों के साथ कुछ बहुत गलत हो जाता है। यहाँ पर वो लोग रास्ते में होते हैं और अपना रास्ता भी भूल जाते हैं क्योंकि उन लोगों को अपने होटल का रास्ता याद ही नहीं आ रहा था। ये लोग रास्ते में ही होते हैं तभी एक टैक्सी वाला आकर वहाँ रुकता है और कहता है कि मैं आप लोगों की मदद कर सकता हूँ। अब असल में वो टैक्सी ड्राइवर बहुत फ्रैंक होता है, इसलिए ये लोग उसका बिहेवियर देखकर इम्प्रेस हो जाते हैं। अब गाड़ी में वो ड्राइवर इन लोगों से कहता है कि मुझे लग रहा है कि आप लोग हनीमून पर यहाँ आए हैं और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को एक खूबसूरत जगह दिखाऊं और वहाँ जाकर आप लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। फिर वो उनको बोलता है कि आपको वहाँ ज्यादा देर तक स्टे नहीं करना पड़ेगा, वहाँ पर बस उन्हें 20 मिनट स्टे करना होगा और इनसे इसका कोई चार्ज भी नहीं लिया जाएगा। अब ये दोनों एग्री हो जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो टैक्सी ड्राइवर उन्हें एक खुफिया जगह पर ले जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पर उस टैक्सी ड्राइवर के इरादे ठीक नहीं लग रहे थे और ऐसे लग रहा था कि वो उन्हें कहीं किडनैप करके ले जा रहा हो। अब कुछ ही दूर जाने के बाद वो लोग बेसमेंट में पहुंच जाते हैं जो कि एक क्लब होता है। ये जगह उन लोगों को काफी पसंद आती है और वो लोग यहाँ पूरी रात स्टे भी करते हैं और ड्रिंक भी करते हैं और शराब के नशे में हो जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग उन्हें उठाकर कहीं लेकर जा रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो लोग उन्हें उठाकर लेके जा रहे थे वो काफी अजीबोगरीब थे। वो लोग वहाँ पर बहुत अजीब काम करते हैं, जैसे कि सैम को एक जगह पर रख देते हैं और सर्कल बनाकर रिचुअल करने लगते हैं। इसके बाद ये लोग बहुत सी रस्में करते हैं और ये सब हमें देखने से बहुत ही भयानक लग रहा होता है। अब अगली सुबह जब उन्हें होश आता है और उनका नशा उतरता है तो वो खुद को अपने होटल के उसी रूम में पाते हैं जहाँ वो रहते थे। होश में आने के बाद उन लोगों को ऐसे लगता है जैसे वो दोनों बहुत ही ज्यादा थके हुए हों। वो लोग ये भी सोच रहे होते हैं कि वो यहाँ पर कैसे आ गए। उसके बाद उन लोगों का हनीमून खत्म हो जाता है और उन लोगों को उस रात की कोई भी चीज याद नहीं रहती है कि उस क्लब के अंदर आखिर क्या हुआ था। खैर, अब ये लोग घर आ जाते हैं, जिसके कुछ ही दिनों बाद सैम को खुशखबरी मिलती है कि वो प्रेग्नेंट है। दोस्तों, असल में सैम स्टार्टिंग में ही प्रेगनेंसी कंट्रोल करने की पिल्स को ले रही थी। उसका ये सोचना था कि ये फेल कैसे हो सकता है और वो अभी माँ बनने के लिए भी तैयार नहीं थी। खैर, अब ये बात सैम जैक को बता देती है और अब ये दोनों ही खुश हो जाते हैं। जैक सैम का पहले से भी ज्यादा ख्याल रखने लगता है। यहाँ पर प्रेग्नेंट होने के बाद सैम नोटिस करती है कि कुछ निशान उसके पेट पर हैं, लेकिन ये उसको कोई बड़ी बात नहीं लगती। उसको लगता है कि शायद प्रेगनेंसी में ऐसा ही होता होगा। अब सैम के साथ काफी वियर्ड चीजें होने लगती हैं, जैसे कि कभी कभी उसकी नाक से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। और अब एक भयानक हादसा इन लोगों के साथ मॉल में होता है। सैम को मॉल में कच्चा मीट दिखाई देता है जिसे वो सबके सामने उठाकर खाने लगती है, जबकि वो वेजिटेरियन थी। वो उस मीट को ऐसे खा रही थी जैसे उसने कुछ दिनों से कुछ भी नहीं खाया हो। उसे ऐसे करते हुए आसपास के लोग उसे बहुत अजीबोगरीब नजरों से देख रहे होते हैं। अब इसके बाद हम एक और सीन को देखते हैं, जब सैम को गुस्सा आता है तो कार पार्किंग के एरिया की सारी गाड़ियों के शीशे टूट जाते हैं, यानी कि सैम के पास अब शक्तियाँ भी आ गई थी। अब सैम की हालत देखकर जैक बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है और फिर वो उसको डॉक्टर के पास लेकर जाता है। डॉक्टर उसे कहते हैं कि वो प्रेग्नेंट है, जिसकी वजह से ही शायद ऐसे ही हुआ होगा। अब एक टेस्ट करने के बाद डॉक्टर कहता है कि ये सब सही है और ऐसे होता रहता है, इसलिए उसको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। खैर, अब टाइम गुजरता जाता है और सैम की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है।
उसको देखने में ऐसे लगता है कि जैसे उसके पास इवल पावर्स आ गई हों, क्योंकि वो जब भी किसी प्रेग्नेंट लेडी के पास होती थी तो उसके पूरे जिस्म में दर्द होने लग जाता था। अब इसके बाद सैम और जैक चर्च जाते हैं, जहां सैम वहां के फादर से मिलती है। लेकिन जैसे ही फादर उसे हाथ लगाते हैं तो उनकी तबीयत खराब होने लग जाती है। उसके थोड़ी ही देर बाद उस फादर के नाक और मुंह से खून आने लग जाता है। यहां पर जैक भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और उसके भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता। लेकिन जैक यहां पर ये नोटिस करता है कि जब फादर के मुंह से खून आ रहा था तो सैम ही उन्हें घूर कर देख रही थी, जो कि काफी अजीब था। उसके बाद जैक सैम को शक की नजरों से देखने लगता है और फौरन अपने कमरे में चला जाता है। जैक अब अपना लैपटॉप खोलकर वो फुटेज देखने लगता है जो उसने कैप्चर की होती है। जैक पूरी फुटेज को गौर से देख रहा होता है, तभी वो यहाँ पर एक चीज नोटिस करता है कि चर्च में वही टैक्सी ड्राइवर था जो उन्हें हनीमून पे मिला था। ये बात उसको काफी परेशान कर देती है और फिर वो सोचने लगता है कि कहीं वो उनका पीछा करता हुआ तो यहाँ पर नहीं आ गया। अब इसके बाद वो अपनी हनीमून वाली सारी फुटेज को चेक करने लगता है। फिर उसे उस रात का फुटेज दिखाई देता है जब वो लोग बेहोश हो गए थे। वहाँ उसको ये भी दिखाई जाता है कि कुछ लोग उनको उठाकर लेकर जा रहे होते हैं, जो कि काफी अजीब था। और इनफैक्ट यहाँ पर वो सभी कैप्चर हुआ था जो उस रात उन लोगों के साथ हुआ, यानी वो रिचुअल रस्में वगैरह। जिसके बाद जैक का शक यहाँ पर और भी ज्यादा गहरा हो जाता है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है, इसके पीछे कोई बहुत ही बड़ी साजिश है। फिर इसके बाद वो अपने दोस्त को अपने घर पर बुलाता है ताकि वो सब देख पाए। लेकिन इसके बाद जैक को एहसास हो जाता है कि अब चीजें उसके कंट्रोल में नहीं है। किसी ने वो सारा डेटा चुरा लिया था जो उसने कैप्चर किया था, यानी कि कोई पक्का उन पे नजर रख रहा है। जिसके बाद वो बहुत ज्यादा डर जाता है और पुलिस को कॉल करता है, फिर उन्हें सब कुछ बता देता है। लेकिन पुलिस को बस ये सब कहानियां लगती हैं। अब इसके बाद जैक उस फादर के पास जाता है जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। फिर वो जैक को बताता है कि वो वक्त ज्यादा दूर नहीं है जब बहुत सारी इवल एंटिटीज पैदा होंगी। अब हमें सैम को दिखाया जाता है जो अब अजीब तरह की चीजें कर रही थी। वो जब घर पर अकेली होती थी तो वो वही रिचुअल्स करती थी जो उसके साथ शुरू में हुआ था। खैर, अब इसके बाद सैम का बेबी शॉवर होता है जिसमें उसे बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं, लेकिन उसमें से एक बहुत ही खूबसूरत नाइफ किसी ने सैम को गिफ्ट किया था। खैर, अब सैम उस नाइफ को लेती है और दूर जंगल में निकल जाती है। वो वहाँ पर जाकर जानवरों का शिकार करती है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, और फिर उनकी बॉडी को खोलकर खाने लगती है। अब जैक को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शक होने लगता है, इसलिए वो अपने घर में सीसीटीवी कैमराज लगा देता है। अब जैक को एक गाड़ी पे शक होता है जो अक्सर इनके घर के सामने खड़ी रहती थी। जिसके बाद जैक अपनी बहन को बुलाता है कि मैं उस गाड़ी का पीछा करूंगा और तुम सैम का ख्याल रखना। और अब जैक उस गाड़ी का पीछा करते हुए बहुत ही आगे निकल जाता है, लेकिन उससे वहाँ पर एक ओल्ड हाउस मिलता है जो कि काफी वक्त से बंद था। अब जैक को वहाँ उस घर के सीसीटीवी फुटेज मिलती है और एक मिसिंग अल्ट्रासाउंड मिलता है। सीसीटीवी फुटेज इसलिए था क्योंकि जो लोग उनका पीछा कर रहे थे उन्होंने छुपकर उनके घर में कैमरास लगा दिए थे ताकि वो सैम पर पूरी नजर रख पाए। अब जैक को वहाँ पर बहुत से लोग मिलते हैं जो कि रिचुअल्स परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन उनमें उसे वो डॉक्टर भी दिखाई देता है जो सैम को देख रहा था, जिसे देखकर जैक बहुत ही हैरान हो जाता है, जिसका मतलब साफ था कि ये डॉक्टर भी इनके साथ ही मिला हुआ था। वहाँ पर वो आदमी भी था जो इनके घर पर नजर रख रहा था, और इस कल्ट का लीडर भी वही था जिसको उन्होंने एक दो बार देखा भी था। अब वो लोग जैक को देखकर उसे पकड़ने लगते हैं, लेकिन किसी तरह जैक वहाँ से बच के निकल जाता है। और अब थोड़ी देर बाद जैक की बहन सूजी सैम को चेक करने के लिए जाती है, लेकिन वो देखती है कि सैम इस कल्ट के सिंबल को ड्रॉ कर रही है, जिसके बाद कोई अनसीन फोर्स उस पर अटैक कर देती है। अब जब जैक घर आता है तो उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, और जैसे घर की सारी चीजें हिलना शुरू हो जाती हैं। ऐसे लग रहा था कि वहाँ कोई तूफान आ गया, और ये सब किसी और ने नहीं बल्कि सैम ने ही किया था। खैर, अब वो अपनी बहन को ढूंढने लगता है, फिर उसे उसकी बहन की लाश दिखाई देती है जो कि काफी बुरी तरह से मारी गई थी। यहाँ पर सूजी को किसी और ने नहीं बल्कि सैम ने ही मारा था। उसके बाद वो हिम्मत करके अपने रूम में जाता है, जहाँ वो देखता है कि एक सर्कल बना हुआ है। उस सर्कल के अंदर सैम खड़ी हुई थी, और ऐसे लग रहा था कि उस बच्चे का दुनिया में आने का टाइम हो गया है। जैक देखता है कि सैम बहुत बुरी कंडीशन में है, और उसकी मदद करने के लिए वो आगे बढ़ता है। अब जैसे ही वो सैम के सामने जाता है तो वो अपनी ईवल पावर से उसको हवा में उड़ा देती है। वो नाइफ को अपने ही पेट पर चला देती है जो उसे गिफ्ट में मिली थी, जो कि इसी कल्ट ने उसे दिया था।
जैक उसको रुकने के लिए काफी बोलता है लेकिन वो नहीं रुकती। तभी जैक बेहोश हो जाता है। अब जब जैक को होश आता है तो वो देखता है कि सैम अपने ही खून में वहाँ पड़ी हुई थी और उसका पेट कटा हुआ था। सैम अब बहुत ज्यादा रोने लगती है और अपने बच्चे के बारे में सोचने लगती है कि वो ठीक है या नहीं। फिर वो जैक के बाहों में ही मारे जाती है। ये देख कर जैक बहुत ज्यादा टूट जाता है। तभी वहाँ ड्राइवर और डॉक्टर आता है। जैक उनसे भीख मांगता है कि वो उन्हें अकेला छोड़ दें, लेकिन वो डॉक्टर उस बच्चे को ले लेता है। जिसके बाद दोस्तों हमें पता चलता है कि वो कोई आम बच्चा नहीं है बल्कि वो एक डेविल का बच्चा है। और ये वही चीज थी जो फादर भी उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे। अब जो वो कल्ट होता है वो इतना भयानक होता है कि वो वहाँ के सारे कैमरास और एविडेंस को मिटा देता है। अब तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और जैक को अरेस्ट कर लिया जाता है। पुलिस यहाँ पर ये समझती है कि उसने ही अपनी बहन और बीवी को मारा है और अपने बच्चे को भी गायब कर दिया है। अब जैक इतने सदमे में होता है कि उसके पास कोई भी सबूत नहीं होता कि वो खुद को साबित कैसे करे। यहाँ पर जो भी लोग थे ये सब इसमें मिले हुए थे। अब दोस्तों मूवी खत्म होने से पहले हम एक और यंग कपल को देखते हैं। वो लोग भी अपने हनीमून पर पेरिस आए हुए थे। फिर उन्हें वही ड्राइवर लिफ्ट देता है जिसका मतलब ये था कि ये फिर से होने वाला है। यानी कि दोस्तों ये लोग डीमंस की आर्मी बना रहे थे और यहाँ ये रुकने वाले भी नहीं थे। और फिर इसी के साथ ये मूवी यहीं दी एंड हो जाती है।